हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर पर अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। मैं डॉक्टर पूनम गुप्ता, एजुकेशन लाइब्रेरी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर टीचिंग एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, ठीक, इसीलिए आज हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। देखो, राइट टू एजुकेशन 2009 क्या है, इसमें क्या कहा गया है कि बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है ये कि वो पहली से आठवीं क्लास तक अपनी एजुकेशन ग्रहण करें। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है और बच्चे का क्या है, मौलिक अधिकार है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। देखो, व्हाट इज द एक्ट अबाउट, एक्ट क्या है, एवरी चाइल्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स हैज द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। जैसे हमारे बहुत से मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं हमारे, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसी टाइप से ये भी एक क्या है, मौलिक अधिकार है। 6 से 14 साल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशन पेरेंट्स की ड्यूटी है, यानी कि एजुकेशन देना ही देना है। अगर पेरेंट्स बच्चे को ये शिक्षा नहीं दिलवाते हैं तो बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं अपने पेरेंट्स के खिलाफ। तो उनका क्या है, ये मौलिक अधिकार है। जैसे हमारे मौलिक अधिकार है, उनके खिलाफ अगर कोई उनका कोई शोषण करे तो हम कहाँ जा सकते हैं, हम कोर्ट में जा सकते हैं। उसी प्रकार ये भी बच्चों का क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक। तो चलिए आगे देखते हैं, ये कब लागू हुआ था। देखो, ये कब लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया था। ये देखो, 86th अमेंडमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कब किया गया, 2002 में किया गया। और आर्टिकल कौन सा जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया 21A पार्ट 3। जैसे हमारे आर्टिकल में बहुत सारे हमारे जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल हैं। कितने हैं, 395 टोटल आर्टिकल इतने हैं। उनके बीच में देखो, ये आर्टिकल हमारे इतने ही रहते हैं, ठीक, इनके बीच बीच में और ऐड होते रहते हैं। जैसे 21 था, 21A ऐड कर दिया, किसके लिए, एजुकेशन के लिए। कब ऐड किया गया, 2002 में। और अमेंडमेंट कौन सा हुआ, 86th अमेंडमेंट हुआ, किससे रिलेटेड, ये राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया है कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक। आगे देखो, राइट ऑफ चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिल पास्ड इन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन 2009। जैसे हमारे क्या होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, दो हाउस होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी एक क्या है, संसद है, संसद के कितने अंग हैं, 3 अंग हैं, कौन कौन से, लोकसभा है, राज्यसभा है और क्या है, पीओआई यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, संसद के 3 अंग हैं। लोकसभा हमारा कौन सा है, निम्न सदन है। राज्यसभा क्या है, उच्च सदन है, ये कभी भी क्या नहीं होता, भंग नहीं होता, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। लोकसभा हर 5 साल के बाद क्या होती है, भंग होती है ना, बीच में भी भंग हो सकती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। फिर हमारा क्या है, प्रेसिडेंट होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही बिल क्या हो जाता है, फाइनल हो जाता है ना। तो ये हमारे संसद के 3 अंग हैं। तो 2009 में ये जो अमेंडमेंट किया गया था, 86th अमेंडमेंट 2002 में, किससे रिलेटेड, राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड, ये पास कर दिया किसमें, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास कर दिया गया। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से,
1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। और इंडिया क्या बना, 135 कंट्री यानी कि 135 कंट्री ने लागू कर लिया, उनमें से एक इंडिया भी बना कि जिसने फंडामेंटल राइट के रूप में एजुकेशन को स्वीकार किया। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। चलो आगे चलते हैं, देखो आगे क्या किया। इट मेक्स प्रोविजन फॉर नॉन एडमिटेड चाइल्ड टू बी एडमिटेड टू एन एज अप्रोप्रिएट डेट्स। यानी कि देखो, अब कोई बच्चा मान लो 10 साल की उम्र में आया है, 10 साल की उम्र में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या उसको हम 10 साल की उम्र में पहली कक्षा में बिठाएंगे? नहीं बिठाएंगे ना, फर्स्ट क्लास में। तो इसका क्या प्रोविजन है, इसका ये प्रोविजन है कि उसकी एज के अकॉर्डिंग बच्चे को क्लास में एडमिशन दो, और जो उसकी पीछे की क्लास छूट गई है, उसकी जो पीछे की क्लास छूट गई है, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देके कवर कराने की कोशिश की जाए, कि बच्चे को पिछली क्लासेस का नॉलेज देने की कोशिश की जाए उसको एक्स्ट्रा ज्ञान देकर। तो ये है, यानी कि उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको हम क्या देंगे, एडमिशन देंगे। द राइट टू एजुकेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी अंटिल 18 ईयर्स ऑफ एज इज लेड डाउन अंडर ए सेपरेट लेजिस्लेशन, द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। देखो, जैसे दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या प्रोविजन है, उनके लिए ये प्रोविजन है कि उनकी एज 18 ईयर्स तक इसमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। यानी कि जो एवरेज बच्चे हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, उनकी एज कितनी रखी गई है, 6 से 14 साल के लिए क्या है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। और जो बच्चे दिव्यांग हैं, उनकी एज कितनी है, 6 से 18 ईयर्स तक, किसके अकॉर्डिंग, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, चलो आगे चलते हैं। देखो, अब फ्री, इसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 साल के जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी एज है राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग, है ना, और जो दिव्यांग बच्चे हैं हमारे, उनकी एज कितनी है, उनकी एज है 6 से लेकर 18 साल तक। ठीक, उनके लिए क्या करना है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। तो फ्री का मतलब क्या है, फ्री एजुकेशन का मतलब क्या है, और कंपलसरी एजुकेशन का मतलब क्या है, ये बताया गया है। फ्री मींस दैट नो चाइल्ड शैल बी लायबल टू पे एनी काइंड ऑफ फी और चार्जेस, यानी कि बच्चे को किसी टाइप का कोई चार्ज नहीं देना। फ्री मतलब फ्री, सब कुछ सरकार उसके लिए क्या करेगी, प्रबंध करेगी। कंपलसरी एजुकेशन का क्या मतलब है कि ये पेरेंट्स की ड्यूटी है, 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, तो उनकी पेरेंट्स की ड्यूटी है वो बच्चे को क्या कराएं, एडमिशन कराएं स्कूल में, और जो स्कूल का, जो सरकार है वो देखेगी सारा काम, स्कूल की जो एक कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी, वो सारा काम देखेगी। कंपलसरी का मतलब ये है। ठीक, देखो, अब राइट टू एजुकेशन के अकॉर्डिंग कुछ प्रोहिबिट हैं, कुछ चीज़ें क्या हैं, प्रोहिबिट हैं, यानी कि ये नहीं करनी, क्या क्या नहीं देना। देखो, फिजिकल पनिशमेंट एंड मेंटल हैरासमेंट, बच्चे को फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी। जैसे कई बार स्कूल में हमने देखा है, मुर्गा बना दिया, हाथ ऊपर करके खड़ा कर दिया, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकल पनिशमेंट। बच्चे को मेंटली भी कोई भी बात नहीं कहनी, ऐसी कोई बात नहीं कहनी जिससे बच्चे के दिमाग पर क्या हो, असर आए, यानी कि उसके दिमाग पर कुछ भी हमें जोर नहीं डालना। तो फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट कुछ भी नहीं करना, ये प्रोहिबिट है, यानी कि ये नहीं कर सकता टीचर। फिर देखो, स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे को अगर एडमिशन लेना है स्कूल में, एडमिशन लेना है, तो वो किसी टाइप का प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा, ना उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ना पेरेंट्स का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है, उसको कुछ भी नहीं करना, बस उसको क्या करना है, एडमिशन देना है। तो यानी कि स्क्रीनिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन, कोई भी प्रोसीजर फॉलो नहीं करेगा बच्चा एडमिशन के लिए। कैपिटेशन फीस, कोई भी किसी भी टाइप की फीस बच्चे को जमा नहीं करवानी है एडमिशन के लिए, ठीक है, सब कुछ क्या है, फ्री है, बुक्स भी फ्री है, ट्यूशन भी फ्री है, टीचर की फीस कुछ जमा नहीं करवाना बच्चे को ड्रेस के लिए, ठीक है। प्राइवेट ट्यूशन फॉर बाय टीचर्स, जो सरकारी टीचर लगे हुए होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या प्रोविजन है कि वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते। अगर बच्चे को अगर किसी टीचर को प्राइवेट पढ़ाना है, प्राइवेट कुछ काम करना है, तो वो क्या करे, अपना प्राइवेट ही करे, फिर सरकारी नहीं करना। ये क्यों किया गया है, ये देखो, इसलिए किया गया है, कई बार क्या करते हैं टीचर, स्कूल में तो कुछ पढ़ाते नहीं,
और वो क्या कहते हैं कि मेरे से आके घर पे पढ़ लेना ये सारी चीज़ें, तो घर पे अगर बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए तो एक्स्ट्रा फीस देगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, प्राइवेट जो ट्यूशन है, प्राइवेट टीचर है, जो सरकारी टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा, ये क्या है इसमें प्रोहिबिट है, ठीक है। रनिंग ऑफ स्कूल विदाउट रिकॉग्निशन, जो स्कूल है वो भी क्या होने चाहिए, एफिलिएटेड होने चाहिए, रिकॉग्नाइज होने चाहिए, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए जगह जगह स्कूल खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रोहिबिट है। कोई भी फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हैरासमेंट नहीं होना चाहिए, स्क्रीनिंग प्रोसीजर नहीं, कोई फीस नहीं। टीचर जो सरकारी लगा हुआ है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं कर सकता, और स्कूल भी रिकॉग्नाइज होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उम्मीद करती हूँ कि ये समझ में आ रहा होगा। देखो अब ये क्या है, नो डिटेंशन पॉलिसी। नो डिटेंशन पॉलिसी का क्या मतलब है, इसमें क्या है कि बच्चे को हम क्या नहीं करेंगे, फेल नहीं करेंगे, इसमें बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। देखो फेल नहीं किया जाएगा तो कैसे करें, बच्चे तो पढ़ नहीं रहा, ठीक है, बच्चा तो पढ़ाई नहीं करा तो फेल तो करना ही पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला गया कि बच्चे को फेल नहीं करना, ठीक है। अगर बच्चे के मार्क्स कम आते हैं तो क्या करेंगे, हम उसका दोबारा से टेस्ट करवाएंगे, उसको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम देके, 2 महीने का उसको एक्स्ट्रा टाइम देके एक्स्ट्रा पढ़ाई करवा के, और फिर उसका दोबारा से टेस्ट होगा। फिर भी वो फेल हो जाता है तो उसके बारे में फिर गवर्नमेंट देखेगी, स्टेट गवर्नमेंट देखेगी क्या करना है। अब देखो आरटीई जो हमारा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग स्कूल में क्या क्या होना चाहिए, स्कूलों में क्या क्या होना चाहिए, प्रत्येक स्कूल के पास ये सारी चीज़ें होनी ही होनी चाहिए। ईच स्कूल है, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या होगा, 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, एक क्लासरूम के लिए एक टीचर होना चाहिए। एक टीचर यानी कि एक टीचर के लिए एक क्लासरूम हो ही हो, ऐसा नहीं कि एक ही क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं और वहीं पे 2 टीचर पढ़ा रहे हैं। 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, प्रत्येक टीचर के लिए एक क्लासरूम होना चाहिए। बैरियर फ्री एक्सेस, कोई भी बैरियर नहीं होनी चाहिए, बैरियर फ्री एक्सेस होना चाहिए। सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज़ और गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए टॉयलेट अलग अलग होना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, पानी पीने की अच्छी खासी क्या होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। प्लेग्राउंड होना चाहिए, और क्या है, बाउंड्री वॉल होनी चाहिए ताकि कोई भी तकलीफ दुख दर्द ना हो बच्चों को, है ना। लाइब्रेरी होनी चाहिए, अगर बच्चों के पास कोई फ्री पीरियड है तो वहाँ जाके अच्छे से बच्चे अपनी क्या कर सकें, पढ़ाई कर सकें। प्ले मटेरियल होना चाहिए, गेम से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आवश्यकता होती हैं वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, उपलब्ध होनी चाहिए, ये सब होना चाहिए, ठीक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यानी कि सब कुछ होना चाहिए, जो हमने एक क्लास पहले भी ली थी NCF 2005, उसमें भी सारी चीज़ें ये बताई गई थी। तो ये सब स्कूल में होना चाहिए। अब एकेडमिक्स क्या क्या होगा, देखो जैसे कि प्यूपिल टीचर रेशो होता है, प्यूपिल टीचर रेशो यानी कि एक क्लास में कितने स्टूडेंट और कितने टीचर होने चाहिए। तो जैसे प्राइमरी की क्लास होती है, प्राइमरी की क्लास कहाँ से होती है, 1 से 5वीं तक, 5th क्लास तक होती है प्राइमरी। तो वहाँ 30 टीचर्स के साथ, सॉरी 30 स्टूडेंट पे क्या होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। अपर प्राइमरी यानी कि 6ठी से 8वीं, 35 स्टूडेंट और 1 टीचर होना चाहिए। सब्जेक्ट टीचर इन अपर प्राइमरी, सब्जेक्ट टीचर इन अपर प्राइमरी, प्राइमरी से ऊपर सब्जेक्ट का जो मेन सब्जेक्ट होता है उसका टीचर होना चाहिए। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्शन भी दे टीचर स्टूडेंट्स को, ठीक है। और उसके जो देखो वर्किंग आवर्स कितने होने चाहिए, प्राइमरी लेवल पर वर्किंग आवर होंगे 200 वर्किंग डेज होंगे, ठीक है। और अपर प्राइमरी पे कितने होंगे, 220 वर्किंग डे होंगे, और 45 वर्किंग एक वीक में। देखो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है सी टेट में भी कि एक वीक में कितने कितने वर्किंग हार होंगे एक टीचर के, तो 45 वर्किंग हार होंगे। तो ये आपको याद रखना है, प्यूपल टीचर रिसो प्राइम प्यूपल टीचर रेशो प्राइमरी लेवल पर 130, ठीक है, अपर प्राइम पर 1:35। और प्रत्येक स्कूल में क्या हो, एक हेडमास्टर होना चाहिए, ठीक है। हेडमास्टर का अलग से क्या होना चाहिए, ऑफिस होना चाहिए। और एक कमेटी होनी चाहिए, किसके लिए, जो मैनेजमेंट का काम देखे। तो ये सब होना चाहिए, ठीक। देखो अब की पॉइंट, देखो की पॉइंट में क्या है, द एरिया और लिमिट ऑफ द नेबरहुड, जो स्कूल होता है, स्कूल होता है वो बच्चे के घर के पास ही होना चाहिए,
क्योंकि अगर ज़्यादा दूर बच्चे को जाना पड़ता है तो बच्चे क्या करते हैं, जाते ही नहीं है स्कूल। इसीलिए क्या कहा गया है कि जो स्कूल होता है बच्चे के पास में हो। प्राइमरी तक का जो स्कूल होता है, प्राइमरी तक का स्कूल वो 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए और 8वीं तक का स्कूल 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। ये सब चीज़ें याद रखनी है कि प्राइमरी तक का स्कूल के बच्चे को स्कूल में जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, 1 किलोमीटर। और जो 6ठी से 8वीं तक के बच्चे हैं, अपर प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको स्कूल जाने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। प्राइमरी टीचर और स्टूडेंट्स का रेशो कितना होगा, 1:30, और अपर प्राइमरी और स्टूडेंट टीचर का रेशो कितना होगा, 1:35, वो एक हेडमास्टर होना चाहिए। ये सब तुम्हें याद रखना। वर्किंग आवर कितने होंगे, वर्किंग आवर कितने होंगे प्राइमरी लेवल पर, 200, ठीक है। एक मंथ में कितने वर्किंग आवर होंगे, एक वीक में कितने वर्किंग आवर होंगे, तो ये सब तुम्हें याद रखना है। देखो, अगर 3 किलोमीटर तक या 1 किलोमीटर के दायरे में स्कूल नहीं है तो सरकार क्या करेगी, वेयर नो स्कूल एग्जिस्ट विद इन द एरिया और लिमिट स्पेसिफाइड, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक प्रोविजन फॉर फ्री ट्रांसपोर्टेशन। अगर यहाँ तक स्कूल नहीं है, यानी कि बच्चे की एक्सेस एरिया में स्कूल नहीं है, तो क्या करेगी सरकार, फ्री ट्रांसपोर्टेशन करेगी, यानी कि जो बस वगैरह की जो सुविधा है वो फ्री होनी चाहिए, या फिर रेजिडेंशियल फैसिलिटी होनी चाहिए। रेजिडेंशियल फैसिलिटी का क्या मतलब है कि उसके लिए हॉस्टल हो वहाँ पर, अदर कोई फैसिलिटी हो, ये सब होना चाहिए। इन एरिया विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे स्कूल क्या हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये सब प्रोविजन होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, RTE Act 2009, ये सब फैसिलिटी की गई। आगे देखो, द स्टेट हैज़ टू मेक अप्रोप्रिएट एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, उनके लिए क्या होना चाहिए, सेफ ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए कि उसको उनको किसी टाइप की कोई तकलीफ ना हो। द स्टेट टू इंश्योर दैट एक्सेस ऑफ चिल्ड्रन टू द स्कूल इज नॉट हिंड्रेंस ऑन द, उन्हें किसी टाइप की बैरियर ना आए, ठीक है। ईच चाइल्ड इज आल्सो इंटाइटल्ड टू फ्री टेक्स्ट बुक, बच्चों की जो टेक्स्ट बुक वो फ्री होनी चाहिए, राइटिंग मटेरियल, यूनिफॉर्म, सब कुछ फ्री है, क्योंकि इस एक्ट का नाम ही क्या है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। इसका मेन मोटिव क्या है, बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आए, पढ़ें और अपनी शिक्षा पूरी करें, इसलिए सब कुछ इसमें क्या है, फ्री है, इसीलिए कुछ भी नहीं देना। टीचर्स इन द स्कूल हैव टू इंश्योर दे रेगुलर अटेंडेंस, टीचर्स की ड्यूटी देखो क्या है, टीचर्स रेगुलर अटेंडेंस देखेगा, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ करिकुलम विद द स्पेसिफिक टाइम, जो करिकुलम है, करिकुलम क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज स्कूल के अंदर होती हैं वो सब करिकुलम में आती हैं। सिलेबस क्या होता है, सिलेबस एक पार्ट है किसका, करिकुलम का, तो वो सब किसकी ड्यूटी है, वो सब ड्यूटी है टीचर की। टाइम पे उनकी अटेंडेंस करवाएगा, ठीक है, उनका सिलेबस पूरा करवाना है, बच्चे की एबिलिटी चेक करनी है कि बच्चे ने कुछ सीखा है नहीं सीखा है, उसका कितना डेवलपमेंट हुआ, इवेल्युएशन करना है टाइम टू टाइम, पेरेंट टीचर की मीटिंग करवानी है, ये सारा काम क्या है, देखेगा टीचर। अब ये देखो, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट टू एडमिट देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड एंश्योर दैट दे रिसीव एलिमेंट्री एजुकेशन। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है किसके अकॉर्डिंग, 51(1) के अकॉर्डिंग क्या है, पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे का क्या करवाए, एडमिशन करवाए, और ये इंश्योर करे कि उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। हमारा हमारे बच्चों का क्या है, ये हमारे बच्चों का मौलिक अधिकार है, और टीचर की क्या है, ड्यूटी है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। देखो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, कंपलसन और गवर्नमेंट ड्यूटी ऑफ पेरेंट, पेरेंट्स की ड्यूटी है, और फाइनेंशियल बैरियर को रिमूव करना है, स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करना है, और नो डिटेंशन यानी कि बच्चे को फेल नहीं करना है, बार्स कॉर्पोरल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट, ये कुछ भी नहीं करना है, ना बच्चे को फिजिकल कोई भी फिजिकल पनिशमेंट देनी है, मेंटली बच्चे को टॉर्चर करना है, कुछ नहीं करना है, बच्चे को सिर्फ पढ़ाना है, उसका विकास करना है, और उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन क्या करवानी है, कंप्लीट करवानी है। स्पेशल एजुकेशन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो बच्चे क्या नाम है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते, जो भाग जाते हैं, तो उनको क्या करवाना है, हमें स्कूल में बना के रखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। से नो टू चाइल्ड लेबर, ना इसका मतलब क्या है, जैसे छोटी उम्र में बच्चे को क्या कर लेते हैं, पेरेंट्स काम पे लगा देते हैं, तो उसको हमें क्या करना है, कम करना है, इसीलिए फ्री एंड एजुकेशन इसके तहत ही क्या है, फिर बाद में जैसे मिड डे मील आता था पहले, फिर मिड डे मील को भी इसमें ऐड कर दिया, ताकि कई बार क्या होता है, बच्चे
कई बार होता है क्या, हमारे भारत में तो है ही, बच्चों को मतलब अपने भोजन के लिए कमाना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मिड डे मील को इसमें क्या किया गया, इंक्लूड किया गया, ताकि क्या हो, बच्चे अपना खाना खाने के लिए आ जाएं, कम से कम आ तो जाएं स्कूल में। अब तो उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड कर दिया, और मिड डे मील का जो नाम है वो क्या कर दिया, पीएम पोषण, पीएम पोषण नाम कर दिया उसका, ठीक है। मिल्क भी बच्चे को मिलेगा, और जो अब नई पॉलिसी आई है उसमें क्या कहा गया है, नई पॉलिसी में कि जो हमारे प्राइमरी एजुकेशन से पहले वाले बच्चे होंगे ना, LKG UKG और KG वाले, वो भी मिड डे मील स्कीम के अंदर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो ये सब था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये बीएड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है वो है तो 2009 में पास, तो 2009 में हो गया था, लोकसभा राज्यसभा से साइन भी हो गए थे, लेकिन लागू कब हुआ है, 1 अप्रैल 2010 से इसको क्या किया गया है, लागू किया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेन मेन बातें इसकी समझ में आई होंगी। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ये भी बताना कि आप कौन से टॉपिक पे और लेक्चर बनवाना चाहते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।